लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पुरजोर मेहनत कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। बीजेपी हाईकमान ने कार्यकर्ताओं और राज्य इकाइयों को ये मैसेज दिया है कि 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए मेहनत की जाए। पार्टी ने इन सबके लिए राज्यवार रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की रणनीतियों के केंद्र में हिंदी पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। पार्टी की कोशिश है कि वो इस बार 70 से ज्यादा सांसद जीतकर संसद पहुंचे। बीजेपी ने अभी तक ये बात कही तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये नजर आ रहा है कि पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहती है, जो साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 404 लोकसभा सीटें मिली थी। 1984 की लोकसभा की हम बात करें तो कांग्रेस की 404 सीटों में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा। बीजेपी को अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसे यूपी में सबसे बड़ी संख्या में सीटें जीतकर आना होगा। 1984 में संयुक्त उत्तर प्रदेश में कुल 85 लोकसभा सीटें थी। हालांकि साल 2000 में उत्तराखंड अलग होने के बाद राज्य में फिलहाल 80 सीटें बची हैं। साल 1984 की कुल 85 सीटों में से 67 सामान्य और 18 सीटें एससी के लिए रिजर्व थी। उन चुनाव में महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर कुल 6,23,35,043 नागरिकों ने मतदान किया, यानी कुल 55.81% मतदान हुआ। इस चुनाव में 2 सीटें लोक दल और 83 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तब कांग्रेस को कुल मतदान का 51% वोट मिला था। कांग्रेस को इस वक्त देश भर में करीब 49.10% वोट मिले और 82% सीटों पर उसने जीत दर्ज की। 1984 के चुनाव में कांग्रेस से 491 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 0.41% सीटों पर उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी यूपी में। वहीं साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बार पूर्ण बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी। उस वक्त बीजेपी का वोट प्रतिशत राज्य में 42.6% था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यूपी ग्राफ में गिरावट आई और पार्टी को 62 सीटें ही मिली। इस चुनाव में बीजेपी को 49.56% वोट मिले। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या साल 1984 के चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने यूपी में समूचे विपक्ष को सिर्फ 2 सीटों पर सिमटा दिया था। क्या मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी राज्य में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर पाएगी? क्या राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बीजेपी?